हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो, आई गेस एक मंथ हो चुका है मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला, बट क्या कर सकते, थोड़ा काम आ चुका था। आपको तो पता ही है कि मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, तो लाइक कमाना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब इतना ज़्यादा पे नहीं करता है यहाँ पर इंडिया में। तो US में हमारा चैनल होता और लाइक 7,000 सब्सक्राइबर होते तो मतलब ठीक ही था तो समझ रहे हो ना, इतना ज़्यादा। तो उसी काम में बिज़ी था, इसके लिए वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। बट अभी से मैं ट्राई करूँगा कि लाइक बनाओ अच्छे खासे हर वीक एक वीडियो। ओके, सो टुडे वी आर डूइंग POV मोबाइल फोटोग्राफी। एक्चुअली मैं DSLR से ही करने वाला था, बट मैं जो कैरी बैग रहता है DSLR के लिए, रेनकोट जैसा टाइप, वो लाना भूल गया। सो दैट्स वाई आई गेस अपने को मोबाइल से ही करना पड़ेगा। बट मैं निकालूंगा बीच बीच में DSLR जब कम बारिश होगी तब। सो लेट्स गेट इन टू अवर POV मोड। ओके, सो हेलो एवरीबॉडी, एक चीज़ मेरे को ध्यान देना है। लास्ट टाइम मैंने जो POV वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया था कि मैं ना ज़रा भी रुकता नहीं हूँ जब भी फोटोज़ क्लिक करने जाता हूँ। मैं थोड़ा सीन देखता हूँ और चलना, एक क्लिक करके चलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो मुझे नहीं करना है ये बात। अब मैं थोड़ा सोच सोच के फ़ोटो लूँगा, एकदम अच्छा फ़ोटो क्रिएट करना है, एक नॉर्मल फ़ोटो नहीं। सो दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू लुक टूडे। और मैं DSLR अभी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। अब अगर बारिश होती है तो फिर हम लोग मोबाइल निकाल लेंगे और DSLR को बैग में डाल देंगे। तो कैन 1500D विद द किट लेंस और साथ में पोलराइजर भी यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये सीन मुझे पहले अच्छा लग रहा था, बट ये साला ट्री थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। लेट्स सी, थोड़ा पीछे जाके ट्राई करता हूँ मैं वही फ्रेम। मच्छर साला बहुत है यहाँ पर। नहीं, नॉट लुकिंग गुड। लेट्स सी फ्रॉम हियर एंड दिस एंगल, आई वांट दैट ट्रेल गोइंग थ्रू दैट फॉरेस्ट। तो ऐसा कुछ चाहिए, लाइक ऐसा ट्रेल जा रहा है अंदर से तो फिर मज़ा आएगा थोड़ा। ये क्या है, इधर भी मस्त एक ट्रेल है, लाइक दो ट्रीज उसको अच्छे से एकदम सराउंड करते हुए। ऐसा कुछ यहाँ पर भी मस्त एकदम सीन है, बट इतना ज़्यादा लाइट कैसे कम हो गया। सी कुछ ब्लर करके, ब्लर ब्लर लास्ट टाइम मैं आया था जब इतना ज़्यादा ग्रास था नहीं, बट अभी क्योंकि मानसून चालू हो चुका है तो मतलब सब चीज़ एकदम हरी भरी हो चुकी है। ये मस्त फ्रेम बन रहा है, बट चेक दिस आउट, वहाँ पे हम लोग को चोटी मिल रही है लेकिन यहाँ से एकदम अच्छे से ट्रेल दिखता तो मज़ा आ जाता। लेट्स सी कुछ हो सकता है क्या इसका, थोड़ी देर ट्राई करते हैं अपन, इसके बाद कल्टी कर लेंगे। बिकॉज ऐसे कई सारे शॉट मैं छोड़ देता हूँ बिकॉज एकदम घाई रहती है मेरे को। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। सो गाइस, आई एम इन द मुमरा हिल के एरिया में हूँ मैं। ये दूसरा रूट हम लोग ले रहे हैं और आज हम लोग थोड़ा आगे का और एक्सप्लोर करेंगे। चेक आउट दिस रूट। That is amazing. Should we take some water droplet photos? But here we can get an amazing frame of these trails. Let's see what we have again. Oh, okay.
ट्राईपॉड लाना ही चाहिए था, बिकॉज बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है एकदम क्लाउडी की वजह से. सो दैट्स वाई ISO इंक्रीज करना पड़ रहा है, बट वील सी व्हाट हैपेंस. चेक इट आउट. नोप. तो गाइस अभी हम लोग आ रहे हैं थोड़ा लाइक खुले इसमें, आगे पूरा खुला खुला. यहाँ पर मेरे को मस्त एकदम पैटर्न लग रहा है, बट अभी इतना मेरे को वो नहीं है. बाद में अभी एक साथ जब मैं पूरा पैटर्न क्लिक करूँगा तभी क्लिक करूँगा. फिर यहाँ पर देखो एकदम मस्त मस्त. अभी मैं तो लाइक ट्रेल क्लिक करना है मेरे को, सब ट्रेल और कुछ ऐसा लाइक अलग दिखे. ये ट्री भी मस्त लग रहा है, इतना मैं कभी सोचता नहीं ना, वही मेरे को ऐसा लग रहा था कि लेकिन मैं बहुत कम सोचता हूँ. चेक दिस आउट, ये भी मस्त लगेगा. लेट्स सी. ओहो और भी है ये सर, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा है, थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड में भी मिलेंगे फिर वो. Wow. Oh my God. पच्चर को आते यहाँ पे. ये मस्त लग रहा है बात. So, सब ग्रास में बैठे हुए थे, लाइक जैसे ही मैं पैर रख रहा हूँ सब काटना स्टार्ट कर दे रहे. यहाँ पर वाला क्लिक करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिख रहे मेरे को. तो पूरा झुंड मेरे पीछे ही होंगे. यहाँ पर है कुछ, ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. ओ वाह 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 वाह. ये साइड से should blur something and capture that one again. Oh, the बहुत ही ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं यहाँ पे. जैसे ही मैं बैठता हूँ सब अंदर मेरे टी शर्ट में घुस जाते. आई डिडंट थॉट इतने सारे इंसेक्ट्स रहेंगे, बट आई गेस वी गॉट द शॉट एंड इट्स लुकिंग प्रीटी गुड. सो गाइस नाउ वी हैव चेंज आवर लेंस टू 50mm f/1.8. अभी थोड़ा मजा आएगा. नाउ फर्स्ट लेट मी शो यू समथिंग. रिमेंबर दिस फ्रेम, दिस वन वॉज टोटली एडिटेड. मैंने ये वाला माउंटेन लेके यहाँ पर चिपकाया था और वो माउंटेन मैंने वहाँ से कैप्चर किया था जहाँ पर अभी पूरा फॉग है. मैं सोच रहा था कि यहाँ पर भी फॉग आ जाएगा, बट यहाँ पर फॉग नहीं आ रहा है. सो दैट वाज इट. नाउ लेट्स गो फर्दर. आई होप कि अपने को फॉग मिले थोड़ा तो मज़ा आएगा. 50mm से देखते हैं व्हाट वी कैन डू. इसको 1.8 पे डाल देता हूँ. ISO 100. ओके That looks good. Let's see now what we can capture. मेरे को थोड़ा लाइक डिटेल्स भी कैप्चर करना था ट्रेल्स के साथ साथ.
बट लेट्स सी, यहाँ पर है दूसरा फारा ट्रेल। लोग मेरे को बोलते हैं बार बार मुमरा हिल क्यों आ जाते हैं, तो भाई ऐसी कोई प्लेस ही नहीं है, यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, अपने अकेले मज़े मज़े। वो फोटोग्राफर हैं, एंजाइटी भी नहीं आती है, नहीं तो फिर लोग देखते रहते क्या कर रहा है ये, तो इसके वजह से इन्हें मुमरा हिल आसान पड़ता है एकदम। वाटर ड्रॉपलेट्स कैप्चर करते क्या अपन, यहाँ पर है थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं। So guys, this is the new route that I haven't explored yet. So this is where we are going today. I hope everything goes fine. Should I take out my mobile phone and start capturing with it? I wish we had fog. A bit scary. Oh my god. So guys, I was going to like explore this place, but मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अंदर जाने में, एकदम बहुत ज़्यादा अंदर चले गया था मैं और आगे जाके रूट नहीं मिल रहा था। सो दैट्स आई थिंक वील हैव टू फिनिश दिस वीडियो ओवर हियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। Peace out.